ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो, तुम फिर से पर आ चुके हो आप लोगों के लिए बीजेएमआई की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और आज की ये वाला वीडियो भाई एक बहुत ही तगड़ा डिमांड वाला वीडियो होने वाला है। तो ये वाला वीडियो भाई पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाला है मास्टर M24 टिप्स के ऊपर। जी हाँ भाई, आज की इस वाले वीडियो में मैं आपका भाई M24 मास्टर करवा के दूंगा। तो यस, अभी तक अगर भाई लोग आप लोगों ने वीडियो में लाइक नहीं ठोका तो फटाफट से भाई लाइक ठोक दो, 3.5 के लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करा दो। ओके तो भाई ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट ए की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाला है भाई क्रॉसियर पोजीशन। अब भाई ये पॉइंट सुनने के बाद भाई आप बोलोगे कि भाई ये क्या, ये नल्ली पॉइंट बता रहा है भाई, हमें तो पता है कि क्रॉसियर हेड पे रखना पड़ता है। लेकिन रुको, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्रॉसियर हेड पे रखने की बात नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसियर पोजीशन के बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा समझना उसके बाद बोलना। अब भाई कंटेनर के पीछे से बंदा आएगा, ठीक है, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, अब बंदा भाई ऊपर से तो कभी भी नहीं आएगा, है ना, तो बंदा या तो भाई राइट से आएगा या तो भाई फिर लेफ्ट से आएगा। भाई जैसे बंदा कवर से बाहर निकलेगा, ठीक है, और आपका क्रॉसियर उस टाइम पे अगर भाई बंदे से थोड़ा सा दूर रहता है या फिर भाई ज्यादा दूर रहता है, तब भाई सीन क्या होगा, आपको क्रॉसियर को लेके जाने में भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर भाई कभी कभार शॉट भी आपका मिस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को अपना क्रॉसियर जो है उसे भाई कंटेनर से चिपका के रखना है कुछ इस तरीके से, जैसे भाई आपको बस बंदा दिखे आपको बस टैप करना है फायर बटन और तुरंत भाई आपका जो सामने वाला एनिमी है वो भाई फिनिश हो जाएगा, चाहे भाई वो सिचुएशन लेफ्ट साइड का हो या फिर भाई राइट साइड का। बस उतना सा आइडिया भाई आपको लगाना है कि बंदा किस तरफ से आ सकता है। भाई हम में से 90% बंदे कुछ इस तरीके से जाते हैं और पूरा बॉडी एक्सपोज करके उसके बाद भाई शॉट मारते हैं। इस तरीके से अगर भाई शॉट मारते हो भाई आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा भाई आपका कैरेक्टर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इसीलिए भाई आपका यहाँ पे फाइट जीतने का चांस सिर्फ भाई रहता है 50%। लेकिन जैसे भाई आप यहाँ पे पीक बटन का यूज करते हो भाई आपका यहाँ पे चांस बन जाता है 90% फाइट जीतने का। बिकॉज जैसे भाई आप यहाँ पे पीक बटन का यूज करोगे आपका भाई बॉडी थोड़ा सा एक्सपोज होगा और सामने वाला बंदा भाई आपको बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और हाँ, ये किस तरीके से मैं पीक एंड शॉट मारता हूँ वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं पीक बटन मतलब पीक कर रहा हूँ, साथ ही साथ फायर कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो जॉयस्टिक है उसको भाई कवर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से भाई आप यहाँ पे आके इस वाले ड्रिल को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ड्रिल है, बहुत ही इजी ड्रिल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अब भाई यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर बी होने वाला है फास्ट रिफ्लेक्स। जी हाँ भाई, फास्ट रिफ्लेक्स। अब भाई सब चाहे आप एयर गन चलाओ, चाहे भाई आप M24 चलाओ, चाहे भाई कोई भी गन चला लो भाई, रिफ्लेक्स भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और खासकर M24 के मामले में अगर भाई आपका मूवमेंट स्लो हुआ ना भैया नहीं चलेगा। आप इस फाइट को ध्यान से देखो, मानो कि दो बंदा यहाँ पे फाइट ले रहा है, एक बंदे का यहाँ पे भाई शॉट मिस हुआ, ठीक है। अब इस बंदे को ये पीछे की तरफ घुमा हुआ है तो इसको भाई क्रॉसियर घुमा के भाई मतलब वापस से उस बंदे के हेड पे लेके जाने के लिए भाई कितना टाइम लग सकता है। तो ये चीज डिपेंड करता है भाई पूरी तरीके से थर्ड पर्सन नोस्कोप सेंसिटिविटी के ऊपर, ठीक है। आप अगर भाई आप ज्यादा M24 खेलते हो आप लोगों को भाई थर्ड पर्सन नोस्कोप जो सेंसिटिविटी है उसको भाई हमेशा हाई करके रखना है, मतलब थोड़ा सा हाई सेंसिटिविटी आप लोगों को खेलने की आदत डालना है। और जो मूवमेंट है उसको फास्ट करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, जो हैंड कैम स्पीड है उसे भाई इंक्रीज करने की कोशिश करना। जितना तेज भाई आप हैंड कैम मतलब जितना फिंगर भाई आप खेलोगे और जितना तेजी से भाई आप उंगलियों को चलाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका भाई जो मूवमेंट है वो भाई इंक्रीज होगा। और M24 मैच में जितना हो सके उतना कराओ, जितना हो सके उतना जंप और जितना हो सके उतना पीक बटन का यूज करो, क्योंकि भाई जितना आप अतरंगी शतरंगी मूवमेंट करोगे सामने वाले बंदे को आपको शॉट कनेक्ट करने में उतना ही दिक्कत होगा। और एक चीज, जितने भी सारे बंदे M24 खेलते हैं उनमें से भाई लगभग 90% बंदे भाई M24 में स्लाइड वाले बटन का यूज करते हैं, मतलब भाई इतना ज्यादा घटिया चीज है ना ये, इसे भाई कभी भी यूज मत करना। क्योंकि जब भाई आप M24 में स्लाइड वाले बटन का यूज करोगे ना भाई आपको कोई फायदा भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। क्लासिक में क्या आपको स्लाइड मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई भी टूर्नामेंट वगैरह खेलोगे भाई कुछ भी मतलब स्लाइड में कुछ भी फायदा नहीं है, तो भाई प्लीज स्लाइड का यूज मत करना, ठीक है। अब भाई हमारा पॉइंट नंबर सी होने वाला है कनेक्ट एवरी शॉट। जी हाँ भाई, हर एक शॉट भाई आप M24 में कनेक्ट कर सकते हो, वो किस तरीके से चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे भैया जी जो जो भी आके बोलते हो ना कमेंट में कि भाई मैं हेड पे मतलब क्रॉसियर रखता हूँ भाई, मेरा मतलब बुलेट कनेक्ट होता है लेकिन भाई एनिमी को डैमेज नहीं होता, ठीक है, इस वाले पॉइंट को देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब भाई सब काफी सारे बंदे कूल बनने के लिए M24 में यूज करते हैं फोरेक्स स्कोप। अब भाई जैसे आप फोरेक्स स्कोप ओपन करते हो ना, वो जो स्कोप है वो ओपन होने में भाई आपको लगता है 4 मिलीसेकंड टाइम, ठीक है। अब जैसे भाई आप रेड डॉट का यूज करोगे वही पे, ठीक है, जो स्कोप है वो ओपन होने में आपको लगने वाला है 2 मिलीसेकंड भाई। जी हाँ भाई, आधा सिर्फ और सिर्फ 2 मिलीसेकंड टाइम आपको लगने वाला है। तो फोरेक्स को खोलते खोलते सामने वाला बंदा भाई इजीली हट जाएगा, ठीक है। वही पे अगर भाई आप रेड डॉट यूज करते हो आपका स्कोप भाई फटाक से खुल जाता है और सामने वाला बंदा कोई भी मूवमेंट देने से पहले वो भाई खत्म हो जाता है। भैया जी यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो जो मेरा क्रॉसियर है वो भाई कहाँ पे है, एनिमी के हेड पे। अब जैसे ही भाई यहाँ पे मैं स्कोप को ओपन करूंगा, जैसा कि देख सकते हो मेरा क्रॉसियर कहाँ पे आ गया, एनिमी के बॉडी पे। तो इसलिए भाई जब कभी भी आप भाई बंदे से मिड रेंज में फाइट लोगे या फिर भाई आप स्कोप का यूज करोगे तब भाई हमेशा आपको जो क्रॉसियर है उसको भाई मतलब एनिमी के हेड से भाई थोड़ा सा भाई ऊपर की तरफ रखना है और उस चीज से भाई आपका हेडशॉट कनेक्ट होने का चांस भाई काफी हद तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, जो कि हमारे गेम में अभी भी वर्क करता है, ठीक है। अब भाई आप लोगों को बताया कि हमारा जो गन है वो भाई रहता है हमारे राइट की तरफ और फायर करने के बाद भाई हमारा बुलेट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो इसलिए भाई क्रॉसियर का जो ये रेड लाइन है इसे भाई अगर आप रेड मतलब राइट की तरफ प्लेस करते हो तब बहुत इजीली तरीके से भाई आपका हेडशॉट कनेक्ट हो जाएगा। वहीं पे इसे अगर भाई आप लेफ्ट की तरफ प्लेस करते हो तब भाई आपका हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा बुलेट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमी भाई बीच में नहीं आ रहा। अब भाई हमारा पॉइंट नंबर डी होने वाला है आई शॉट। जी हाँ,
भाई आई शॉट, हम आई शॉट मारना सिखाएंगे आपको। अब भैया जी आई शॉट का मामला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से इसे सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर भाई आप अपने दोस्त को चैलेंज कर दियो कि भाई मैं तेरे को हरा दूंगा, तब भाई आई शॉट का यूज कभी भी मत करना भाई, वो आपको रेल के रख देगा। फन पर्पस भाई आप बंदों को किलसाने के लिए भाई जरूर से यूज कर सकते हो आई शॉट का। तो किस तरीके से मारना है आप लोगों को आई शॉट, मैं आप लोगों को बताया। सबसे पहले आप लोगों को जंप बटन का जरूर से यूज करना है, उसके बाद भाई आई बटन को घुमा के आप लोगों को क्रॉस एयर को बंदे के हेड के आगे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे भाई आप बटन छोड़ देगा और फायर वाले बटन पे टच कर दोगे, आपका जो क्रॉस एयर वो धीरे धीरे भाई एनिमी के हेड की तरफ आता जाएगा, और जैसे भाई बुलेट फायर करोगे भाई बहुत ही इजीली तरीके से भाई आपका आई शॉट कनेक्ट हो जाएगा। अब भाई आप अपने एक निठल्ले फ्रेंड को बोल सकते हो चल भाई आई शॉट सीखते हैं, तो दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली तरीके से रूम में, ठीक है। दोनों आई शॉट यूज करो बहुत इजीली तरीके से, एक से दो दिन के अंदर ही भाई आप बहुत इजीली तरीके से सीख जाओगे। तो बस भाई कैसे लगी भाई ये वाला वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वाले चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ साथ जो है बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई हाँ ऑल पे जरूर से सेट कर देना, ठीक है। साथ ही साथ भाई ब्लू हार्ट जरूर से स्पैम कर देना इस वाले वीडियो में। और हाँ भाई कल भाई क्रेट ओपनिंग में मेरा बहुत ही गंदा वाला कट गया है भाई, क्या बताओ रोना आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो बस लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ भाई किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।